सारे पुराने ही बर्तन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सब पुराने आइटम्स मिल जाएंगे और इनके पास सनग्लासेस आपको मिल जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पुणे का चोर बाज़ार, जो उसको जूना बाज़ार भी बोलते हैं और चोर बाज़ार भी बोलते हैं, और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करूँगा। और मैं सोचा यहाँ पर पुणे आया हूँ तो एक चीज़ जो यहाँ की फेमस चीज़ है जूना बाज़ार, जिसको चोर बाज़ार के नाम से जाना जाता है, तो आपको दिखाते जाऊँ। तो चलो चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या मिलता है। फाइनली हम लोग चोर बाज़ार पहुंच चुके हैं, जूना बाज़ार पुणे का। और यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ का मार्केट कैसा है, क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं और कितना सस्ता मिलता है, कितने सस्ते में मिलता है, वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलेंगे अभी। कौन है क्या? तो लाइन से इधर से आपको मार्केट पूरी लगी मिल जाएगी और आप लोग को दिखाऊंगा मैं कुछ यहाँ सारी कुछ चीज़ें, जैसे बैग देख सकते हो आप लोग, बैग यहाँ पे मिल जाएगा। क्या प्राइस में बैग है? लेने का जैसे बैग स्टार्टिंग 250 से स्टार्टिंग है। ओके, तो आपको यहाँ पे 250 से स्टार्टिंग प्राइस मिल जाएगी और उसके ऊपर रेंज में भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे, ये जूना मार्केट है ना? ओके, तो ये साइड पूरी आधी मार्केट है, उसके बाद पूरा लाइन से इसे चला गया पूरी मार्केट। और आगे पे यहाँ पे आपको तालपत्री भी मिल जाएगी, पन्नी कैसे है? हाँ, साइज के ऊपर आता है। तो ये आपको साइज के ऊपर प्राइस मिलेगा, जैसे साइज रहेगी उसके हिसाब से पैसा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो रिंग पाना, जितने भी चीज़ें यहाँ पे आप लोखंड की है, हथौड़ी हथौड़ी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा लाइन से लगा हुआ है। ये हथौड़ी क्या प्राइस की है? ये वाली 150 आपको इतने सस्ते में यहाँ पे ये हथौड़ी लोखंड वाली मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वहाँ रखा हुआ है और ये रिंच वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और भैया जी, एक आदमी बाजू में था, मतलब आप उससे बोल रहा हूँ पैसा पूछे। तो आपको यहाँ पे सब पुराने आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे लैपटॉप वगैरह हुए और बहुत सारी चीज़ें सब A to Z इनके पास यहाँ पे रखा हुआ है मेरे हिसाब से, लगता है मेरे को सारी चीज़ें, अडेप्टर से लेके ड्रिल मशीन और मोटर्स वगैरह, ट्राईपॉड सब रखे हुए यहाँ पे, कूलर वगैरह सब रखे हुए। तो अभी अंकल जी के पास आ गए हैं और इनके पास सनग्लासेस आपको मिल जाएंगे ये, और यहाँ पे स्टाइलिश थोड़ा। ये क्या प्राइस के ऊपर वाले? तो सब 150-200 वाले। अच्छा, मतलब पब्लिक लेने आएगी तो बार्गेनिंग हो सकता है? हाँ, तो आप लोग यहाँ पे लेने आओगे तो बार्गेनिंग हो सकता है। सारे सनग्लासेस मिल जाएंगे यहाँ पे, सब स्टाइलिश में, डिज़ाइन में सब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। तो आपको यहाँ पे टायर्स वगैरह भी मिल जाएंगे और पुराने, बहुत सारे पुराने ही बर्तन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सब लाइन से रखे हुए। इसको भाई जूना बाज़ार बोलते हैं, कितने टाइम से है यहाँ पे लगता है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब कितना हो गया होगा फिर भी? 40-50 साल। इसका टाइमिंग क्या है, ओपन कितने बजे होता है? सवेरे 11 से 6। आपको ये टाइमिंग जो ओपन होने का है जूना बाज़ार का, ये सुबह 11 से 6 आपको मिल जाएगा। और साइड में इधर पूरे बर्तन,
की कतली है ना ये? कौन सा ये बर्तन है? पीतल का। आपको पीतल का चाय का केतली मिल जाएगा। क्या क्या प्राइस में आएगा? अच्छा रेट है, ये आपको रेट मिल जाएगा इधर 2000 रुपया। सब पे रेट लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे जितने भी बर्तन आप रख के देख रहे हो वो सब के पीछे रेट लिखा हुआ है। आप लोग को मैं दिखा दिया, ये ऐसे ही मार्केट है पूरा A to Z, ऐसे ही सारी चीज़ें मिलेगी। तो अभी थोड़ी देर में बस आपको जो दिखाया वही है, और जितने भी मोबाइल फ़ोन वाले हैं वो सब वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे तो मैं शूट भी नहीं किया। पता नहीं उन लोग डरते क्यों इस शूट के लिए। और बाकी जो दिखाया बस सेम चीज़ सारी चीज़ वहीं पर थी। अपने मुंबई जैसा चोर बाज़ार यहाँ पर नहीं है, तो मुंबई का बेस्ट चोर बाज़ार, पुणे में इतना खास नहीं है, लेकिन चोर बाज़ार एक ऐसे नाम दिए हुए हैं, बट ये चूना बाज़ार इसको बोला जाता है। तो इतना कुछ खास नहीं यहाँ पे, और बहुत लोग डर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो बस जो बनाया जो दिखाया आपको वही देख सकते हो, और बहुत कम ही प्राइस पूछा मैंने क्योंकि इधर कुछ खास लगा हुआ नहीं है मार्केट। तो अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाना, और बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।